श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर मथुरा शहर में भव्य सजावट का कार्य शुरू हो गया है। शहर के प्रमुख चौराहे पर आकर्षक सजावट का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं जगह जगह रंगमंच और सेल्फी पॉइंट आदि भी बनने लगे हैं। कृष्ण कन्हैया माखन चोर का जन्मोत्सव आ रहा है, उसको लेकर समूची मथुरा इस समय तैयारियों में जुट गई है और पलक पांवड़े बिछाए जा रहे हैं। लाखों लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने आएंगे, ब्रज के कन्हैया के जन्मोत्सव में शामिल होने आएंगे। उसके लिए शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दे रही हैं, कर दी जा चुकी हैं। समूचे मथुरा में 18 जगह पर चौराहों पर सजावट की जा रही है, प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं भूतेश्वर चौराहे पर हम खड़े हैं, यहाँ विद्युत सजावट की जा रही है, उसी के साथ रंग बिरंगे वस्त्रों से इस चौराहे को सजाया जाएगा और अभी से सजावट का कार्य शुरू हो गया है, रंग बिरंगी रोशनी से पूरे चौराहे को। तो ऐसे ही मथुरा शहर में 16 जगह हैं जहां प्रमुख जगहों को इसी तरह से, चाहे वो स्टेट बैंक चौराहा हो, डिग गेट हो, जन्मभूमि हो, या भूतेश्वर है और होली गेट है, अपना वृंदावन की तरफ जब जाएंगे तो मसानी चौराहा है, गोकुल रेस्टोरेंट है और टैंक चौराहा, हर जगह पर भव्य सजावट की जाएगी। पिछले साल आपने देखा होगा, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना के चलते नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दीपावली और होली को भव्यता के साथ मनाया जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी जन्माष्टमी महोत्सव को बड़े ही आनंद और उल्लास से मनाने के लिए सरकार जुट गई है। इससे पहले सरकार ने बैठकों के दौर चले, तैयारियों को खाका खींचा गया और अब उन तैयारियों को धरातल पर अंजाम देना शुरू हो गया है। जगह जगह पर चौराहों पर सजावट की जा रही है, वहीं रंगमंच के माध्यम से कृष्ण लीलाओं का मंचन होगा। आप देख रहे हैं इस तरह के मंच बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर कलाकार भगवान कृष्ण की लीलाओं का सांस्कृतिक ढंग से मंचन करेंगे। तो ऐसे दर्जनों मंच बनाए जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर। तो देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे वो इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण लीला का आनंद लेंगे और जैसा कि पिछली बार जो मथुरा को सजाया गया था वो अभूतपूर्व था, जन्माष्टमी पर ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं था, तो इस बार उससे भी और बेहतर करने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। दावे किए गए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव के समय यहाँ मथुरा में यदि जब कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो वह निश्चित ही अभिभूत हो जाएगा यहाँ की सुंदरता, यहाँ की छटा को देखकर। द्वापर काल में भगवान कृष्ण के प्राकट के समय जैसे समूची ब्रजभूमि को सजाया गया था, संवारा गया था, ऐसे ही मथुरा मंडल को सजाने का काम शुरू हो गया है। चारों तरफ जहाँ आप देखेंगे, नगर निगम हो या मथुरा वृंदावन विकास परिषद हो, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद हो या विद्युत विभाग, हर विभाग उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उन्हें बाखूबी से उन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया है। और देखिए चारों तरफ शहर में बिजली की झारा है, रंग बिरंगी रोशनी के लिए लगा दी गई हैं और बड़ी बड़ी लाइटें जो रंग बिरंगी रोशनी करेंगी वो यहाँ लाई जा रही हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि अब आज 16 अगस्त हो गई है, 17 अगस्त तक ये काम चलेगा और 18 अगस्त को इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो हर चौराहे पर, हर उस प्रमुख स्थान पर सजावट का काम शुरू हो गया है और आप देखेंगे कि बिजली की सजावट इस वक्त यहाँ मथुरा के भूतेश्वर चौराहे पर, तिराहे पर, और बिजली का सामान आ रहा है। और आप देख रहे हैं ये आज आप इस चौराहे की स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ अभी तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं और जन्माष्टमी के दिन जब आप देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा बदला होगा, पूरा चौराया एक अलग ही अंदाज में नजर आएगा। और आखिर हो भी क्यों ना, कृष्ण कन्हैया का जन्म है, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके आगमन को लेकर, उनके प्राकट को लेकर मथुरा नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजने को तैयार है। तो हम भी आपसे ही कहेंगे कि जन्माष्टमी पर आप भी अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले को अच्छे से सजाएं, जिससे कि आने वाले लोगों को लगे कि ब्रजवासी कन्हैया का उत्सव दिल खोल कर मनाते हैं, बड़े आत्मीयता से मनाते हैं और आनंद उल्लास के साथ मनाते हैं। तो लगातार हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि मथुरा को किस तरह से भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।